हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको स्लोप के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आप स्ट्रक्चर ड्राइंग देखते ही होंगे, ठीक है? कहीं भी बहुत जगह आप देखोगे, रैंप में देखोगे, रोड का अगर ड्राइंग है तो वहां पे देखोगे, कहीं भी आप जाते हो सीढ़ी का जो वेस्ट स्लैब है उसका स्लोप देखोगे। तो स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो, स्ट्रक्चरल ड्राइंग और फॉलो करते हो तो ये समझ में बड़ा दिक्कत होता है। अगर आप एक नाली बनवा रहे हो तो वहां भी स्लोप दिया रहेगा कि 1:50 के स्लोप में ले जाओ, 1:100 के स्लोप में ले जाओ। तो यहाँ पे सब कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1:50 है क्या, 1:100 है क्या, ये स्लोप देना कैसे है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ज्यादा डिमांड था। मैं देखा तो उस डिमांड को देखते हुए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो स्लोप कैसे स्टडी करना है, कैसे नहीं, सारा इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मेरे चैनल का, हिंदी टॉक विथ मुकेश। आप मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं, मैं लाइफ में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ बहुत कुछ वहाँ पे सिखाऊंगा भी और मैं अपने बारे में बताऊंगा भी। तो मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसे मान लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, सपोज ये एक रोड है, सपोज ये एक रोड है। इस रोड का जो यहाँ पे ये स्लोप दिया जा रहा है, ये आपको ड्राइंग में बोल दिया गया कि 1:50 के स्लोप में दिया गया है, ठीक है? अब ये 1:50 है क्या, यहीं पे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना इंसान, कोई कुछ दिया नहीं हुआ है। हाँ, अगर बहुत जगह कैसा होता, ये डिस्टेंस दिया रहता, ये हाइट का डिस्टेंस दिया रहता है, बोल देता है कि इसको मिला दो तो आप मिला दोगे, लेकिन जब रेशियो दे दिया है ना तब बंदा फंस जाएगा। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, हमेशा सबसे पहला जो रूल है, इस दोनों का यूनिट आप सेम मान लेना। मतलब जैसे यूनिवर्सल इंजीनियरिंग यूनिट क्या है, मिलीमीटर, मैं मिलीमीटर में बताऊंगा। आप फुट में करना है तो फुट में कर लो, जैसे भी करना है कर लो, लेकिन सेम यूनिट। जैसे ये 1 अगर मिलीमीटर में है तो आपका जो 50 है इधर, ये भी मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया, दोनों का यूनिट को आपको सेम कर देना है। उसके बाद इधर का पार्ट, इधर का पार्ट, इस साइड जो साइड आता है ना बाद वाले साइड में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है? ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये होता है वर्टिकल, ये हमेशा याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना है। इतना सा याद रख लिए ना तो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा खल्लास, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, इसका मतलब क्या है? देखो मैंने यूनिट भी लिख दिया यहाँ पे ना। अब देखो क्या बोलना चाहता है कि अगर ईच 50 mm, अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलते हो, ये हॉरिजॉन्टल है मेरा मतलब सीधा ऐसे जाओ, अगर ये 50 mm है तो आपको वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, जैसा आपका स्लोप, अगर ये नीचे है तो नीचे जाएगा, कहीं ऊपर है तो ऊपर जाएगा, ठीक है? वो डिपेंड करता है। तो वर्टिकल मतलब एवरी 50 mm के लिए हम लोग 1 mm नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। तो यहाँ जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे ऊपर ही आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट से हम लोग चालू किए, ठीक है? इस पॉइंट से हम लोग चालू किए, 50 mm गए, 50 mm गए, इसके बाद हम लोग को 1 mm ऊपर चढ़ जाना है, ये सपोज 1 mm चढ़ गए, इसके बाद फिर 50 mm जाना है, फिर 1 mm चढ़ जाना है, फिर 50 mm जाना है, फिर 1 mm चढ़ जाना है, ऐसे करके आपको ये पॉइंट ऐसे मिलाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात? तो देखो इसको और एक इजी वे में बताता हूँ मैं आपको, बहुत इजी वे में, कभी भी कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये समझ गया, 50, हर 50 mm के लिए 1 mm ऊपर या नीचे जाना है। और एक चीज बताता हूँ आपको, एक चीज, ठीक है? ये था, अब मैं एकदम इजी वे बताता हूँ, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी किसी को भी दे दोगे जो मिलीमीटर मतलब ये सब कैलकुलेशन नहीं जानता है, उसको हम कैसे समझाएंगे? तो उसको हम लोग कैसे समझाएंगे, आप सीधा क्या करना, अच्छा जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर में आएगा, मैं सब मिलीमीटर में बता रहा हूँ, ठीक है? हमेशा क्या करना, यहाँ पे जैसे 1:50 है ना, जब भी 1 रहेगा यहाँ पे, जो भी रहेगा यहाँ पे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000, मतलब ये हमेशा आपका रेशियो जो रहता है 1:200, 1:300, 1:500, 1:2 के केस में ही रहता है, तो ऑलवेज ही 1000 ही रहेगा यहाँ पे, 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका जो भी लिखा रहेगा ना उसको डाल देना नीचे, और इसको डिवाइड कर दो बस, 50 ये कटा, 5 से ये कटेगा तो 20, और ये जो आंसर आपका देगा ना, ये हमेशा 1 मीटर का देने वाला है आपको, मतलब 1 मीटर में आपका कितना स्लोप देना है, 20 mm।
हर 1 मीटर जाने के बाद आपको 20 mm या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो एज पर रिक्वायरमेंट आपका जैसा भी है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये है स्लोप का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं भी हुआ है तो आप कमेंट में बताओ, मैं आपको बताऊंगा, वहां पे क्लियर कर दूंगा। इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल भी लिख दूंगा, मैं लिख के आपको वो मेरे वेबसाइट पे डाल दूंगा, लर्निंग टेक्नोलॉजी ऑफिशियल पे, ठीक है। तो ये मेन फंडा है स्लोप का, क्लियर हुआ ना मेरी बात, मैं एक बार रिपीट कर दूं क्या? 1000 हमेशा लिख देना, इस साइड में जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर देना, जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे 20 आया, तो ये जो भी आ रहा है हमेशा 1 मीटर, ये मेरा फिक्स रहेगा 1 मीटर पे, ये इतना अप डाउन होगा, या तो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, वो एज पर रिक्वायरमेंट जैसा स्लोप रहेगा, ऊपर की तरफ है तो ऊपर, नीचे की तरफ है तो नीचे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और ये MM में तो बता ही दिया, हर 50 mm मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो मेरा हॉरिजेंटल है और ये वाला वर्टिकल है, मतलब हर 50 mm के लिए 1 mm ऊपर जाएंगे, ठीक है। यही अगर फीट में होता तो क्या करते, हर 50 फीट पे 1 फीट ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। यही अगर मीटर में होता तो हर 50 मीटर में 1 मीटर डाउन या अप होना है, फिर बाकी में आपको डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है। तो यही चीज है और कुछ नहीं, स्लोप का कॉन्सेप्ट छोटा सा चीज था, वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लंबा हुआ उसके लिए सॉरी, ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है तो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आऊंगा, तब तक लिए बाय, टाटा टेक केयर।